हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप तो आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, फाइनली आज हम आ गए एक ऐसे मोबाइल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने पूरी कैमरा इंडस्ट्री ही बदल दी है। मीन्स कि उसमें एक ऐसा इतना अट्रैक्टिव और तगड़ा फीचर आया है जिसने पूरी कैमरा इंडस्ट्री को खिला दिया है। उस फ़ोन का नाम है गूगल पिक्सल 6 एंड 6 प्रो। तो चलिए गाइस, आज इसी फ़ोन के बारे में डिस्कशन की जाए। तो गाइस, आजकल आपको पता है कि बहुत सारे फ़ोन 3 से 4 कैमरे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि इतने क्रेजी फीचर्स के साथ जो ये गूगल पिक्सल आया है, वो सुनोगे तो रियली में आपको मन करेगा कि आप उसे परचेज करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसका पहला फीचर जो मेरे को अच्छा लगा है वो वाइड एंगल फ्रंट कैमरा है। मीन्स कि पहले हम सेल्फी शूट जब करते थे तो उसमें हमें एक स्पेसिफिक फ्रेमिंग मिलती थी जिसमें जो सब्जेक्ट होता था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखता था। मीन्स कि अब इसमें ये फीचर आ गया कि अब आप वाइड एंगल फ्रंट कैमरा शूट कर पाओगे। मीन्स कि अब आपको स्पेसिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी और जो आपका सब्जेक्ट होगा वो प्रॉपरली दिखेगा अच्छे तरीके से। मीन्स कि पहले जब हम शूट करते थे 1x में शूट करते थे, और इसमें आपको फीचर मिलता है कि आप 0.7x में शूट कर पाओगे। मीन्स कि आपको ज़्यादा बड़ी फ्रेमिंग मिलेगी और ये आपको आपकी व्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मीन्स कि अब आप व्लॉगिंग भी इसके थ्रू बहुत ईजिली कर पाओगे। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पे। इसी के साथ आपको मिलता है इसमें 4K सपोर्ट वीडियो शूट विथ 60 फ्रेम रेट्स। ये चीज़ तो आपने बहुत सारे फ़ोनों में देखी होगी, लेकिन इसमें एक और क्रेजी फीचर जो मेरे को लगा है वो है 7x जूम। मीन्स कि आप 7x तक आप इजीली शूट कर पाओगे इसमें 4K फुटेजेस, वो भी 60 फ्रेम्स के साथ। मीन्स कि एक तो आप 7x तक ऑप्टिकल जूम भी मिलेगा आपको। मीन्स कि विदाउट फुटेज ब्लर या विदाउट फुटेज नॉइस के साथ आप इजीली शूट कर पाओगे, और साइड बाय साइड आपको 60 फ्रेम रेट्स भी मिलेगी जिसकी मदद से आप अपने फुटेज को स्लोमो भी कर पाओगे। तो ये भी फीचर एक डिसेंट फीचर है जो आजकल ऐसे कई फ़ोनों में है भी, लेकिन मेरे को गूगल पे थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट है कि इसके जो कैमरा क्वालिटी होती है अप टू द मार्क होती है, तो वो भी अच्छा फीचर है। सो गाइस, सबसे मेन फीचर और सबसे मज़ेदार फीचर जिसने पूरी कैमरा इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, वो फीचर है मेरा फेवरेट मैजिक इरेजर। मीन्स कि अब आप इजिली किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर पाओगे विद दैट सिंगल कैमरा शूट। मीन्स कि आप लाइव शूट करते करते भी आप उस एक स्पेसिफिक मैजिक इरेजर टूल से आप उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर पाओगे। मीन्स कि रियली मेरे को बहुत ही क्रेजी फीचर लगा ये वाला कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सब फोटोशॉप का यूज़ करते हैं हमें किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए, लेकिन अब गूगल पिक्सल ने ये फीचर दिया है कि आप इजिली अपने फ़ोटो को अपने फ़ोन से ही इरेज कर पाओगे, और जो आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करना है या आपको किसी पीपल को रिमूव करना है वो आप इजीली कर पाओगे। तो ये फीचर मेरे को बहुत ही क्रेजी लगा इसका। और ये फीचर किस चीज़ के मदद से चल पाएगा, वो है टेंजर चिप। टेंजर चिप एक ऐसी चिपसेट है जो आपके इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पर, फेस डीब्लर। फेस डीब्लर बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो 2 कैमरे से शूट की जाती है एक सिंगल फोटो को, और उस सिनेरियो में पहला कैमरा होता है वाइड एंगल कैमरा एंड दूसरा कैमरा होता है मेन लेंस कैमरा। इन दोनों सिनेरियो से ये कैप्चर की जाती है, और कभी कभार किसी सिनेरियो में फोटो ब्लर हो जाती है, जैसा कि अभी हम कभी कभार मूविंग शॉट ले रहे होते हैं, लेकिन इस सिनेरियो में दोनों कैमरे से शूट की जाती है तो ये उन दोनों में से जो सी पिक्चर अच्छी होती है उस एंगल में उस एक फ्रेम में फिट करके ये आउटपुट रिलीज करता है, और हमारी जो फुटेज होती है वो विदाउट फेस ब्लर के आती है। तो ये टेक्निक मेरे को अच्छी लगी है इस फ़ोन में। ब्लूटूथ माइक्रोफोन सपोर्ट, इस फीचर से आप अपना फ़ोन इजीली माइक्रोफोन से कनेक्ट कर पाओगे, वो भी ब्लूटूथ की हेल्प से। और उसके बाद तो आपको पता ही है कितने क्रेजी सीन्स होंगे कि जो हमारा माइक्रोफोन होता है वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट होता है, और हमें माइक की ज़रूरत पड़ती है अपनी आवाज़ को क्रिस्टिकल क्लियर देने के लिए, लेकिन इस सिनेरियो में आपको माइक की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आपने अपने फ़ोन को ब्लूटूथ माइक्रोफोन से कनेक्ट कर लिया। मीन्स कि अब आप जिसकी मदद से जो आपकी वॉइस क्लैरिटी आएगी वो क्रिस्टल क्लियर आएगी। मीन्स कि आपको हल्का सा भी नॉइस नहीं आएगा आपकी वॉइस में। तो मेरे को ये फीचर भी अच्छा लगा है, ब्लूटूथ माइक्रोफोन सपोर्ट, एक नया फीचर देखने को मिला है लेकिन अच्छा फीचर है। तो गाइस, आपने बहुत सारे फ़ोन में देखा होगा मोशन ब्लर सपोर्ट, और ये बहुत सारे फ़ोनों में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन गूगल पिक्सल ने एक नया फीचर निकाला है इसी को देखते हुए। लाइक कि हमने ब्लरी बैकग्राउंड, पोर्ट्रेट शॉट्स, बोके इफेक्ट्स, ये वाले हमने सारे सीन्स अपने बहुत सारे फ़ोन्स में हमने कैमरेज में देखे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा फीचर आया है जिसमें हम कहते हैं मोशन फोटोशूट।
मोशन ब्लर शूट तो हमने बहुत सारे देखा होगा कि एक नॉर्मल पर्सन है जो बैठा हुआ है और उसका बैकग्राउंड ब्लरी हो जाता है, लेकिन ये सिनेरियो में ये ऐसा फीचर है जिसमें आपकी फोटो मोशन में होगी और वो शूट होगी बहुत अमेजिंग तरीके से। ये आपने बड़े बड़े कैमरोज में देखा होगा, कैमरे में ये वाला फीचर है, लेकिन मोबाइल में मैंने ये पहली बार ही देखा, तो ये अच्छा फीचर लगा मेरे को। और इसमें एक नया फीचर आया है बेबी मोड। सो बेसिकली जैसे जिसके घर में बेबी है छोटे छोटे, तो उनके फेस को ये इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है और ये कैंडिड शॉट ऑटोमेटिकली शूट कर लेता है और ब्यूटीफुल मूवमेंट कैप्चर कर लेता है। तो ये फीचर भी मेरे को इसका बहुत अच्छा लगा है। लाइक अगर आपके घर में बेबीज है तो उसके लिए फीचर बहुत अच्छा है कि आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेगा और कैंडिडली ये उस फोटोज़ को कैप्चर कर लेगा ऑटोमेटिकली विदाउट टैप करने की या विदाउट कुछ कमांड देने की। तो ये फीचर एक अच्छा लगा है। बाकी गाइज यही कुछ फीचर्स थे जो मेरे को गूगल पिक्सल 6 के अच्छे लगे। गाइज आप बताओ आपको कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा है, और ऐसे ही कुछ क्रेजी टॉपिक्स के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रेजी मज़ेदार टॉपिक्स के साथ। तो चलते हैं, बाय गाइज, टेक केयर।